हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स की तरह प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप चिकन, मटन, अंडा नहीं खाते हैं और आपको लगता है इस वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ऐसी भी काफ़ी सब्जियां होती हैं जो प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स होते हैं और उनको आप डे टू डे लाइफ में खा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरी मटर की। जो हरे मटर होते हैं वो अगर आप एक कप हरा मटर खाते हैं तो उसके अंदर 8 ग्राम प्रोटीन होता है और ये फाइबर से भी भरपूर होता है। इनको खाने से आपकी इम्यूनिटी बिल्ट होती है। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर एक कप पालक भी ऐड कर सकते हैं। आप पालक को नॉर्मल उबाल के भी खा सकते हैं या आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हैं। आपको बता दें कि एक कप पालक के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है और इतना प्रोटीन डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप स्नैक के तौर पर स्वीट कॉर्न भी खा सकते हैं। एक कप स्वीट कॉर्न के अंदर 4.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन बी भी होता है और साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड करता है और आपको डाइजेशन में मदद करता है। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मशरूम एक ऐसी वेजिटेबल है जो एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है, पर आपको बता दें कि ये आपकी बॉडी में प्रोटीन के लेवल्स भी बढ़ाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेजी फील करते हैं तो आप अपनी डाइट में मशरूम ज़रूर ऐड करें। ये भी एक प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स में आता है। अब बात करते हैं एक ऐसी सब्जी की जो आम तौर पर हम सभी के घर में बनती रहती है और बहुत सारी चीज़ों के साथ बनती है। इस सब्जी का नाम है आलू। इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसके अंदर फैट भी काफ़ी होता है, इसलिए अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो भी आप आलू खा सकते हैं। पर अगर आप अच्छे खासे प्रोटीन की तलाश में हैं तो अपनी डाइट के अंदर आलू को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 20% विटामिन सी होता है और इसके अंदर ऐसे भी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपको डाइजेशन में मदद करते हैं। हालांकि अगर आप रात को आलू खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वॉक करने के बाद ही सो रहे हैं, क्योंकि आलू के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को भी ऐड करें, उनसे भी आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा और साथ ही आप नेचुरल प्रोटीन के ऑप्शंस ही चूज़ करें। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर रहे हैं।